आज हम बात करेंगे डेटा के बारे में। सबसे पहले हम बात करें डेटा की, तो डेटा वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड डेटम से बना है। सो मीनिंग होता है टू गिव या गिवेन। अगर एक छोटा सा एग्जांपल लें, मान लीजिए ये 86 है। अब 86 क्या है? ये मार्क्स हो सकते हैं या एज हो सकती है 86 ईयर, या रोल नंबर हो सकता है, इससे कुछ भी डिफाइन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे हम एक जोड़ देते हैं ईयर। अब 86 ईयर किसी की एज हो सकती है, या कोई व्यक्ति 86 ईयर से वहाँ रह रहा है, ये भी हो सकता है। तो इस तरीके से इससे भी कुछ डिफाइन नहीं हो रहा है। अगर हम इसमें जोड़ दें राम, अब राम 86 ईयर। अब 86 ईयर क्या है, या एज है, या राम 86 ईयर से रह रहे हैं, इससे कुछ भी डिफाइन नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे अगर हम मान लीजिए लिख देते हैं एज, अब इससे ये डिफाइन हो रहा है कि राम की एज 86 ईयर है। अगर अब राम, ऐसे तो बहुत सारे राम हैं जिनकी एज 86 ईयर है, अब कौन से राम हैं जिनकी एज 86 ईयर है, ये भी नहीं डिफाइन हो रहा है। कहाँ रहते हैं? अब मान लीजिए कि राम वो दिल्ली में रहते हैं जिनकी एज 86 ईयर है। तो अब ऐसे दिल्ली में बहुत सारे राम हैं जिनकी एज 86 ईयर है, तो इससे भी हमें कुछ भी डिफाइन नहीं हो रहा है। तो इसके लिए अगर हम जोड़ दें एड्रेस, तो इससे क्या होगा कि राम जिनकी एज 86 ईयर है वो दिल्ली में रहते हैं जो इस एड्रेस पे। तो अब इससे एक ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन हो गई कि हम एक पर्टिकुलर व्यक्ति को जो वहाँ पे रहते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करके कह रहे हैं, यानी उनके बारे में ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से ये इंडिविजुअल अगर डेटा की बात करें तो इससे पता लगता है कि वो मीनिंगलेस होता है। दूसरी चीज क्या है, चूंकि इंडिविजुअल डाटा का कोई मतलब नहीं होता है, तो इसलिए वो रॉ फॉर्म में होता है। तीसरी चीज हमने क्या देखी कि ये अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, तो इसको ऑर्गेनाइज करना बहुत जरूरी है, जिसके लिए हम क्या करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं डेटा को, तो इसको अनऑर्गेनाइज फॉर्म। जो भी डेटा है वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होता है, और इसको जरूरत पड़ती है प्रोसेस करने की। अब प्रोसेस कैसे, यानी कई सारे डेटा को मिला के हम प्रोसेस करके क्या आउटपुट मिलता है हमें, इंफॉर्मेशन। मान लीजिए ये हमारा कोई सिस्टम है, इसमें हम इनपुट देंगे वो डेटा का होगा, और जो हमें आउटपुट मिलेगा दैट इज इंफॉर्मेशन। इस तरीके से अगर हम ये कहें कि डेटा इज डिस्टिंक्ट पीसेज ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी इंफॉर्मेशन के अलग अलग हिस्से को हम डेटा कहते हैं, ये सब डेटा है। यानी इंफॉर्मेशन जो हमें मिली उसके अलग अलग हिस्से को हम डेटा कहते हैं। इस तरीके से हम डेटा को आसानी से डिफाइन कर सकते हैं। तो डाटा में हमने क्या क्या चीज देखा कि वो जो है लैटिन वर्ड डेटम से बना है। दूसरी चीज हमने देखा कि ये रॉ फॉर्म में होता है और अनऑर्गेनाइज मैनर में होता है, जिसको हमें प्रोसेस करने की जरूरत होती है ताकि हम एक यूजफुल डाटा या यूजफुल डेटा हम प्राप्त कर सकें। साथ ही डेटा जो है हमारा वो इंफॉर्मेशन के अलग अलग हिस्से को कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि डेटा जो है वो रॉ फैक्ट्स एंड फिगर का कलेक्शन है। अब हम बात करते हैं, अब डेटा आपका कोई भी हो सकता है, वो चाहे जियोग्राफिकल डेटा हो या साइंटिफिक डेटा हो, फाइनेंशियल हो या स्टेटिकल हो, इसी तरीके से मेट्रोलॉजिकल डेटा भी हो सकता है। तो डेटा अलग अलग फॉर्म में हो सकते हैं,
तो इन सारे डेटा को हम क्या करते हैं, इसको यूटिलाइज करते हैं, क्या यूज करके, जैसे ग्राफ्स है, इमेजेस हैं, या अदर एनालाइजिंग टूल है, साउंड है, नंबर्स है, कैरेक्टर्स है, टेक्स्ट है, तो इन सारे डेटा को हम क्या क्या मिला के यूज करते हैं। इस तरह जितने भी प्रकार के जो भी डेटा हैं, चाहे वो कल्चरल डेटा हो, नेचुरल डेटा हो, ट्रांसपोर्ट डेटा हो, उन सभी डेटा को हम विजुलाइज करते हैं यूजिंग ग्राफ्स के माध्यम से, इमेजेस के माध्यम से, नंबर्स हो सकते हैं, कैरेक्टर्स, फैक्ट्स, सिंबल्स एंड अदर एनालाइजिंग टूल की मदद से। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अब ग्राफ्स, इमेजेस, नंबर्स, कैरेक्टर्स, तो इसलिए चूंकि अब अनऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा होता है, तो उसको हम ऑर्गेनाइज करने के लिए क्या करते हैं, हम उसको एक वर्ड आता है डेटा कोडिंग। डेटा कोडिंग में क्या है, इसमें क्या है, डेटा को ऑर्गेनाइज तथा रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेटा कोडिंग करते हैं, जिससे कि डेटा को हम आसानी से मैनेज कर सकें, राइट। इसी तरीके से अगर हम डेटा कोडिंग को हम ज्यादातर क्वालिटेटिव डेटा में जो है हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि डेटा हमारा टू टाइप का होता है, वो एक क्वालिटेटिव होता है, ये क्वांटिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव डाटा जैसे है, इकोनॉमिक्स में यूज होता है, सोशियोलॉजी या मार्केटिंग में काफी ज्यादा बड़े बड़े, या पॉपुलेशन में, काउंटिंग में, तो इस तरीके से हम ये जो डाटा कोडिंग जो है, हम क्वालिटेटिव डाटा के साथ हम यूज करते हैं। इसलिए कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, डेटा को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं या प्रोसेस करते हैं, जो क्रमशः हम इनपुट देते हैं उसको हम इनकोड करते हैं डेटा को, और उसके बाद जो हमें आउटपुट मिलता है वो हम डिकोड करके प्राप्त करते हैं। इस तरीके से अगर हम सेट ऑफ डेटा कैरेक्टर्स की बात करें, क्योंकि डेटा कोडिंग की बात करें, तो इसमें हम यूज करते हैं सेट ऑफ डेटा कैरेक्टर्स, जो कि कुछ रिकॉग्नाइज कैरेक्टर्स हैं, जैसे अगर हम रोमन स्क्रिप्ट की बात करें जो कि वर्डली एक्सेप्टेबल है, तो उसमें पहला हमारा आता है न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, राइट। न्यूमेरिक कैरेक्टर्स की बात करें तो इसमें क्या है, ये ज्यादातर इंडो अरेबियन सिस्टम में यूज होता है ये, और ये 0 से 9 तक होता है, जो लगभग जो टोटल जो है 10 होता है। और दूसरा इसी तरह कैरेक्टर की बात करें, जो अल्फाबेटिक कैरेक्टर्स यूज करते हैं, वो A to Z होता है, जो टोटल 26 होता है। एक तीसरे टाइप का है जो स्पेशल कैरेक्टर कहलाता है। स्पेशल कैरेक्टर की बात करें, जो हम ज्यादातर कीबोर्ड में यूज करते हैं, और जैसे हमारा साइन है, सिंबल है, जैसे प्लस है, माइनस है, या हैश है, डॉलर है, और ये स्लैश है, इस तरीके से अगर ये टोटल 52 हम सिंबल यूज करते हैं, लेकिन अभी कुछ और सिस्टम में हम इसको लगभग 56 से लेके 64 तक सिंबल यूज कर रहे हैं। वो जैसे एग्जांपल और कुछ आ गए हैं, जैसे आपका एक्सक्लामेशन है, आपका एट द रेट है, और इसी तरह से M% है, तो इस ऐसे सिंबल को मिला करके टोटल अभी 56 टू 64 यूज हो रहे हैं। अगर इस तरह से हम देखें अल्फाबेटिक करेक्टर और प्लस न्यूमेरिक करेक्टर्स को मिला दिया जाए, तो ये अल्फा न्यूमेरिक करेक्टर बनता है। सो इस तरीके से आज हमने डेटा के बारे में बात की। थैंक यू।